हेलो गाइस, दिस इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा था अबाउट लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे अबाउट इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट जंप इनटू द वीडियो। गाइस, कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक फॉर्मेशन, और लॉजिक फॉर्मेशन के इस प्रोसेस में देयर कैन बी एन इंस्टेंस जहां पर आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस इनपुट। सो इन ऑल दो सिनेरियोस जहां पर प्रीवियस इनपुट के बेसिस पर हमें एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है, वहां पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डिसीजन, और हर एक डिसीजन पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस्ड होता है। And Python में we have multiple conditional statements, so let us see them one by one. But उससे पहले let us talk about indentation. Now indentation is nothing, बस four blank spaces होते हैं जिनकी help से हम लोग एक particular block of code को define करते हैं। बाकी programming languages की बात करें like C और Java, तो वहां पर हम लोग parentheses की help से particular block of code को define करते हैं, but in Python we can simply do it by adding four blank spaces. So once we know indentation क्या होता है, let us talk about if statement. So if statement का use होता है जब हमें बस एक particular condition को check करना होता है। For example, अगर बाहर बारिश हो रही है तो I will drink tea. That is if weather equals to rain, drink tea. इस flowchart में हम लोग easily देख सकते हैं that if statement gives true or false. So अगर condition true है तो वो block of code को execute करेगा और exit हो जाएगा, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। सो लेट अस सी हम इसे कोड में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैं आ चुका हूं अपने कंपाइलर पर, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कोड अलोंगसाइड मी सो दैट आप कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए। सो लेट अस टेक एन इनपुट, और यहां पर हम लोग एक इफ कंडीशन ले लेते हैं, इफ ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू टू। So, यहां पर यू मे आस्क, यहां पर हमने दो बार इक्वल्स टू क्यू लिखा है, और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट इज अगर मैं यहां पर ए इक्वल्स टू टू लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ए वेरिएबल के अंदर मैं टू की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। बट अगर मैं ए इक्वल्स टू टू लिखूंगा सो इसका मतलब है कि मैं वेरिएबल ए के साथ टू वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। एंड सी, सी प्लस प्लस और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहां पर लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं, वहीं पाइथन में कॉलन का यूज होता है। इट ऑल्सो शोज दैट यहां से हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाता है। नाउ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फोर ब्लैंक स्पेसिस ऑलरेडी इसने क्रिएट कर दिए हैं, विच इज द इंडेंटेशन। एंड यहां पर मैं प्रिंट करूंगा टू। सो अगर इस कोड को मैं रन करूं तो यू कैन सी इट इज आस्किंग फॉर एन इनपुट, और जैसे ही मैंने टू एंटर करा तो इट सेज टू। बट अगर सेम पीस ऑफ कोड को मैं फिर से रन करूं और इंस्टेड ऑफ टू मैं कोई भी नंबर एंटर करूं तो इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट। दिस इज बिकॉज इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन नहीं करा था, सो कंपाइलर को पता ही नहीं था इंस्टेड ऑफ टू अगर कोई भी और इनपुट दिया जाए तो उसको क्या करना है। सो इट रिटर्न नथिंग। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इंडेंटेशन, और आप देख सकते हैं अगर मैं स्पेस यहां से कम कर देता हूं और अब कोड को रन करता हूं तो इट विल गिव एन इंडेंटेशन एरर, इट सेज एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। सो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए या तो मैं चार बार स्पेस दबा सकता हूं और फिर कोड को रन कर सकता हूं, और मैं एक बार टैब प्रेस करके भी ऐसा कर सकता हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ ब्लॉक के साथ एक एल्स ब्लॉक को भी ऐड कर दिया जाता है।
सो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक रन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक रन होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्स ब्लॉक एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक नहीं करता है, ये सभी केसेस में जहां पर कंडीशन फॉल्स होगी एल्स ब्लॉक को ही रन कर देगा। सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो अगेन हम लोग आ चुके हैं हमारे कंपाइलर पर और यहां पर इफ कंडीशन के साथ लेट अस टेक एन एल्स ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में मैं प्रिंट करवा रहा हूं 7। अब अगर इसे रन करें और मैं इनपुट में 2 एंटर करूं तो इट विल गिव 2, दैट इज हमारा इफ ब्लॉक रन हुआ है। और यहां पर अगर मैं 7 एंटर करूं तो इट विल गिव 7, दैट इज हमारा एल्स ब्लॉक चल रहा है। बट हियर इज द कैच, जैसे कि मैंने बताया एल्स ब्लॉक सभी फॉल्स कंडीशन के लिए रन होता है, सो इट डजंट मैटर मैं क्या इनपुट दे रहा हूं, इफ द इनपुट इज एक्सेप्ट 2 तो ये हमेशा ही 7 रिटर्न करेगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं यहां पर 2 वेरिएबल्स ले रहा हूं ए एंड बी, जिसमें मैंने ए की वैल्यू को 10 और बी की वैल्यू को 2 असाइन किया है। सो लेट अस चेक विच नंबर इज ग्रेटर और उसके लिए मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड लूंगा इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज बिगर else print b is bigger। so अगर मैं इसको run करूं तो it is not giving an input। let us comment this one। और अब अगर मैं इसको run करूं तो you can see it says a is bigger बिकॉज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 2 है। पाइथन में हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है विच इज एलिफ एंड इज अ पार्ट ऑफ नेस्टेड स्टेटमेंट्स। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो एलिफ स्टेटमेंट हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने का फ्रीडम देती है, दैट इज मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक कोड में हम लोग जितनी चाहे उतनी एलिफ कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं एज पर आवर नीड। सो इसके सिंटेक्स की बात करें तो इट बिगिंस विद एन इफ कंडीशन, उसके बाद हम लोग चाहे तो मल्टीपल एलिफ कंडीशंस लिख सकते हैं। सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो अगेन मैं आ चुका हूं हमारे कंपाइलर पर और एलिफ को हम लोग डेज ऑफ द वीक के एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। सो लेट अस टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर जिसको मैं वेरिएबल ए में स्टोर करवा रहा हूं। सो इस ए की वैल्यू को चेक करने के लिए लेट अस टेक सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। So let us write if a equals to 1 print Monday, elif a equals to 2 print Tuesday, elif a equals to 3 print Wednesday, elif a equals to 4 print Thursday, elif a equals to 5 print Friday, elif a equals to 6 print Saturday, और यहां पर let us take else statement else print Sunday। Now अगर मैं इसको run करूं name a is not defined,
इक्वल्स टू। अब अगर मैं इसको रन करूं और लेट अस से मैंने वन एंटर करा तो इट्स इज मंडे। सिमिलरली अगर मैं फाइव एंटर करूं तो इट्स इज फ्राइडे। लेट मी टेक एनी अदर नंबर, लेट अस टेक थ्री एंड इट्स इज वेडनेसडे। नाउ लेट अस टेक सेवन एंड इट्स इज संडे। बट अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया एल्स ब्लॉक सभी फॉल्स स्टेटमेंट के लिए रन करता है। सो अगर मैं यहां पर 8 एंटर करूं देन ऑल्सो इट विल प्रिंट संडे या फिर कोई भी और नंबर लेट से 9 8 9 7 9 इट्स ए संडे। बट इफ आई जस्ट वांट कि सिर्फ 7 प्रिंट होने पर संडे आए सो यहां पर मैं एल्स ब्लॉक को एलिफ ब्लॉक के साथ रिप्लेस करूंगा एंड वैल्यू एंटर करूंगा ए इक्वल्स टू 7। सो अब अगर मैं इसको रन करूं एंड लेट अस प्रेस 7 सो इट विल गिव संडे। And instead of 7, let us say मैं कोई भी एक रैंडम नंबर लेता हूं तो इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट। और ऐसा क्यों हुआ है इसका आंसर बहुत ही सिंपल है बिकॉज हमने इसके लिए कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन नहीं किया है। सो फॉर ऑल सच केसेस हम लोग यहां पर एक और else कंडीशन ले सकते हैं प्रिंट प्लीज चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 7। ओके प्रिंट। सो अब अगर मैं इसको रन करूं और मैं 5 एंटर करूं तो इट सेज फ्राइडे और लेट से मैंने 7 एंटर किया तो इट सेज संडे। बट कोई भी एक रैंडम नंबर मैं अगर ले रहा हूं तो इट विल से प्लीज चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 7। सो दैट इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वन। So that is all about conditional statements. I hope you like this video and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends and forgot not to subscribe to my channel. If you have any doubt related to any of the topic, you can contact me on my social media handles. Link in the description box. Also check description box for the handwritten notes of this lecture. This is Akshay signing off.